इंदौर पुलिस द्वारा पिछले दिनों ऐसे नाकाबजनों को गिरफ्तार किया गया जो सुने घरों में सोने चांदी के जेवरातों की चोरी करते थे और उन्हें फाइनेंस कंपनी में रखकर लोन लेते थे। वह इनका मुख्य सरगना लंबे समय से फरार था, जिसे आज पुलिस ने गिरफ्तार किया। इसके पास से बड़ी मात्रा में सोने चांदी के जेवरात बरामद किए गए। गौरतलब है कि 2 माह पूर्व भवरको थाना क्षेत्र में लगातार चोरी की वारदातें हो रही थी। पुलिस द्वारा बड़ी सफलता हासिल करते हुए कुछ नकाबजनों को गिरफ्तार किया था। वहीं इस गिरोह का मास्टरमाइंड गुरुदयाल घटना के बाद से ही फरार था। यह वो आरोपी है जो सुने मकानों को अपना निशाना बनाकर नगद जाने की घटना को अंजाम देता था। वहीं पुलिस द्वारा आज मास्टरमाइंड गुरुदयाल को गिरफ्तार किया, जिस पर करीब 12 मामले दर्ज है। वहीं पुलिस द्वारा इस पर 5,000 का इनाम भी घोषित किया गया था। वहीं आज पुलिस द्वारा मुखबिर की सूचना के आधार पर गुरुदयाल को गिरफ्तार किया। वहीं पूछताछ में इसने भवरको थाना क्षेत्र के 12 घरों में नकाबजन की वारदात को अंजाम देना भी कबूला। वहीं आरोपी से पुलिस ने 100 ग्राम सोना, 100 ग्राम चांदी भी बरामद किया है। वहीं इसके द्वारा बड़ी मात्रा में सोना फाइनेंस कंपनी को गिरवी रख कैश करा लिया था, जिसे भी पुलिस ने बरामद कर लिया है। मार्च 2020 में पुलिस ने एक सातिर नकबजन गिरोह को पकड़कर उनसे लाखों का सोना बरामद किया था। उस गिरोह का सरगना गुरुदयाल तब से फरार चल रहा था, उस समय पुलिस की पकड़ में नहीं आया था। 12 से अधिक नकबजनी के घटनाओं में वो शामिल था। पुलिस के द्वारा उसको 5,000 रुपये का इनाम घोषित किया गया था। तब से भवरकुआ थाने की पुलिस और हमारे साथी अधिकारी उसकी पतारसी में लगे हुए थे। एडिशनल SP जौनपुर श्री मनीष खत्री और एडिशनल SP जौनपुर श्री राजेश व्यास के संयुक्त प्रयासों से आरक्षक संजय चावड़ा, सतीश पेनिया और कमलेश चौरे द्वारा मुखबिर लगाकर उसको पकड़ने में सफलता अर्जित की। CSP जूनी श्री डीसेस अग्रवाल और थाना प्रभारी भवरकुआ श्री इंद्रेश त्रिपाठी ने लगातार पूछताछ करके अभी तक गुरुद्वार की निशानदेही से 100 ग्राम से अधिक सोना जब्त करने में सफलता अर्जित की है और उससे लगातार पूछताछ जारी है। गुरुद्वार के पकड़ने के साथ साथ नकबजन और ग्रहों का भी पुलिस को पता लगा है, जिनके लिए भी पुलिस की टीमें लगाई गई हैं। उनकी धरपकड़ के साथ और बहुत सारी वारदातों का खुलासा। थैंक यू। पिछली बात जो इनकी मोडस ऑपरेंडी थी कि ये मणिपुरम बैंक में सोना चोरी करने के बाद, नकबजनी करने के बाद वहाँ गिरवी रख के पैसा निकाल लेते हैं। पिछली बार भी लगभग 70 ग्राम सोना मणिपुरम बैंक से पुलिस ने जब्त किया था। इस बार भी 50 ग्राम के करीब सोना इसने वहाँ पर एक नंबर में रखा था, जिसकी की लिखा पड़ी है, जिस पर 17,500 के करीब ब्याज भी हो गया था। तो पुलिस ने विधिवत उनको नोटिस देकर मणिपुरम बैंक से वो सोना जब्त किया। साथ ही उन बैंक को भी हिदायत दी है कि यदि कोई व्यक्ति इस प्रकार बार बार आपके पास सोना रखने आता है तो आप पुलिस को सूचना दें और अन्यथा आपको भी इस प्रकार में आरोपी बना। टाइम न्यूज देखिए अब आपके मोबाइल और स्मार्ट TV पर लाइव प्ले स्टोर से डाउनलोड करें।